वैभव जी, हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम एमएस एक्सेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और मैंने आपको एक फंक्शन लिस्ट दिया था मेल पे कि एमएस एक्सेस में इस तरह के फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उस पर स्टडी किया आपने? प्लीज पूरा नहीं हो पाया है, उसको कर लीजिएगा, टाइम ही क्योंकि नहीं मिल पा रहा। इम्पोर्टेंट है वो, ताकि आगे चल के हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं बाकी सब चीजों में, राइट? तो हम एमएस एक्सेस हाँ के सर, अंदर वीवीए के बारे में जिक्र कर रहे थे, और वीवीए में हमने दो चीजें सीखी थी। एक फर्स्ट कैलकुलेशंस, कि किस तरह से फॉर्म एंड फॉर्म की यूजर्स को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे, एंड दूसरा चीज हमने सीखा था, वो सीखा था कि एक्सेस के जो फंक्शंस है वो वीवीए में कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें डी लुकअप था और बाकी लेफ्ट राइट मिड वगैरह भी हमने इसका इस्तेमाल किए थे, राइट? हाँ तो इस सारी चीज समझ में आ गई थी आपको? डी लुकअप का तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, और वो फंक्शन का जो छोटे छोटे है वो अभी देखा था, पर पूरा मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्स के क्लोजिंग में ही बिजी था, इसीलिए। कोई बात नहीं सर, उसको कर लीजिए। तो उसको एक बार फंक्शनल लिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे क्या है कि आगे के चीजों करने से पहले हमें क्यूरी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेस को क्यूरी की कनेक्टिविटी करना और फॉर्म पे क्यूरी अप्लाई करना, ऐसा चीज। एक बार हम क्यूरी को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस वीवीए और माइक्रोज, जो आपके यहाँ पे माइक्रोज एंड कोड्स है ना, इसकी भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। हाँ एक्सेस इसकी ऑलरेडी इनबिल्ट मैक्रोज है, यहाँ देख रहे हैं आप, हाँ इनका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है? एक तो है कि आप कोड के जरिए हाँ मैक्रो अप्लाई करते हो, दूसरा हम इस मैक्रो बिल्डर के जरिए भी अपना मैक्रो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा सुटेबल होता है कि आपको बिना किसी मतलब कि कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिना कोड लिखे ही आप यहाँ पे चल रहे, राइट? तो चलिए, हम क्यू आज की हाँ क्लास है, हम क्यूई पे डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, ओके सर। तो क्यूरीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो डेटा को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। अब डेटा, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप एक्सेल से डेटा कॉपी करेंगे, तो एक शीट लेके चलें, एक रो जो है फालतू में लेके चलें, क्या करें? तो हाँ सर, एक ब्लैंक रो जो है ले लीजिए। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब इसमें हम क्यूरी जब क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट क्यूरी में दो चीजें हैं। एक होता है हमारा क्यूरी विजार्ड, दूसरा होता है क्यूरी डिजाइन। क्यूरी डिजाइन में क्या है कि आप अपने हिसाब से अपने तरीके से क्यूरी बना सकते हैं। क्यूरी विजार्ड में क्या होता है कि आपके पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम क्यूरी विजार्ड को फॉलो करते हैं। क्यूरी विजार्ड में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एक सिंपल क्यूरी विजार्ड। एक सिंपल क्यूरी में हम जानते हैं, तो अब क्यूरी क्यों इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सी बात आती है, जैसे आपके सामने डेटा है और मुझे किसी को डेटा मेल करना होता है, किसी को डेटा मेल करना होता है, वो भी सिर्फ नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, तीन चीज भेजना होता है, बाकी चीजें हमें नहीं भेजनी होती है। तो बार बार इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको डिलीट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल कुछ जान में आते हैं, ओके करते हैं यहाँ पे। जो फील्ड चाहिए, जो फील्ड चाहिए नेम, मुझे सिंपल चाहिए सैलरी और डिपार्टमेंट, तीन फील्ड चाहिए। तीन फील्ड को मैंने यहाँ पे ले लिया, नेक्स्ट हाँ एंड फिनिश, राइट?
बढ़ गया। तब क्या होगा कि जब भी हम इस डेटा क्वेरी को रन करेंगे तो अपने डेटा में से तीन कॉलम ही दिखेगा, और मेल करना है मुझे तो इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप अपना आप ये डाल दीजिए, डेटा क्यूरी है, यहाँ पे बोल दीजिए सैलरी, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डेट आ जाएगा। और उसके बाद इसमें और भी चीज़ें कि मैं चाहता हूँ इसको टोटल करना, मैं टोटल पे क्लिक कर देता हूँ, सम करना है तो सम आ जाएगा, एवरेज करना है एवरेज आ जाएगा, जो करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके और भी पिक्चर्स रिपोर्ट का पिक्चर है, इस जगह पे कुछ और पिक्चर चाहिए वो कर सकते हैं, कुछ और टाइप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, रिपोर्ट नहीं खाते एक बार इसको। हाँ अब कभी कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसको इस तरह से रिपोर्ट देखिए, बोल गए, और हाँ इस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में, एक्सेल में, वर्ड में, जिसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट चाहिए तो एचटीएमएल भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एक्सेल चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, एक्सिस में करना है, पीडीएफ में करना है, किस में करना है, राइट, ओके सर, तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड समझ में आ गया, हाँ जी समझा, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड में और एक बार आगे चलते हैं, सिंपल क्वेरी विजार्ड हम लेते हैं, ओके कर सकते हैं, इसमें आप अपने डेटा डेटा से ले सकते हैं या क्यूरी से भी ले सकते हैं, मतलब कि क्यूरी आप सिर्फ क्यूरी से ही नहीं कर सकते, मतलब कि मान लीजिए कि आपने एक क्यूरी बनाया हुआ कंडीशनल क्यूरी, उसमें अगर कुछ पार्ट चाहिए तो आप क्यूरी से भी कर सकते हैं, राइट, ओके इसी ध्यान रखिएगा। और दूसरा मैंने यहाँ सैलरी रख दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में हटा देता हूँ, डिपार्टमेंट और सैलरी रख देता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे डेटा शो आ ना इसके जगह पे मैं समरी कर देता हूँ, राइट, और यहाँ पे शो ऑप्शन ऑप्शन से आता हूँ, तो मुझे सैलरी का सम चाहिए, ठीक है ना, एंड ओके, एंड नेक्स्ट, ठीक हाँ है, मैं यहाँ पे इसको एक बार और बनाता हूँ, देखिए मैं डिजाइन डिजाइन के लिए नहीं बात करूंगा, सिंपल के लिए जा रहा हूँ, हम सिंपल ग्रुप पे जाते हैं, ओके, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने डिपार्टमेंट लिया, राइट, और हमने मान लीजिए नहीं लिया, नेक्स्ट, इससे देखा आपका समरी नहीं बना, नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि तो समरी हाँ तभी बनेगा जब आप उसमें क्लिक करेंगे, फिर वैल्यू वाली नंबर फील्ड को ऐड करेंगे, तभी आपको समरी का ऑप्शन देगा, राइट, ओके कीवर्ड टेबल की तरह आप नहीं कर सकते, मुझे इसमें आप मैं चाहता हूँ काउंट रिकॉर्ड इन द डेटा, इसमें सम वगैरह नहीं चाहिए, हम सिर्फ काउंट करना चाहते हैं, नेक्स्ट एंड फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आ गया सो बात कीजिएगा, हाँ उसको सम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो एक ग्रुप बाई सैलरी है ना, ग्रुप बाई को सैलरी को हम हटा देते हैं, कम कर देते हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर देते हैं, ग्रुप बाई से क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे सम सैलरी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड काउंट, समझ गए सर,
हाँ सर, क्रिएट सिंपल क्वेरी में क्या होता है आपका, आप अपने हिसाब से जिस फील्ड का चाहते हैं, जिस क्यूरी पे या कि जिस फील्ड पे आप चाहते हैं उसका आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। उसकी समरी हाँ सर, बनाइए या उसका डेटा लीजिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब आती है क्रॉस टैब की। अब क्रॉस टैब क्यूरी मतलब कि मुझे यहाँ पे और डेटा है इसमें, क्या कुछ यार देखिए, क्रॉस टैब बनाता है, एक बताता हूँ आपको। इसमें से मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, हेडिंग ठीक है, तो यहाँ डिपार्टमेंट आएगा, एक पिवट की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे मंथ आना चाहिए, ठीक है, तो टू टैब आएगा, यहाँ पे आपका आएगा इसका प्रो डिपार्टमेंट का कॉलम। लिस्ट, और यहाँ पे आएगा मंथ का लिस्ट, और यहाँ पे किसी एक का आप टोटल कर सकते हैं। मतलब सैलरी का मुझे तो सम चाहिए, तो मैंने सैलरी का सम लिया, तो सम ऑफ सैलरी यहाँ नेक्स्ट एंड हमने, और इन सबों पे आप अपना हाँ रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फर्स्ट टैब की को रिपोर्ट डिजाइन रिपोर्ट में ले लिया, और इसके ऊपर आपने जो तो सर, ये फॉर्मेटिंग क्रॉस टैब, सर क्रॉस टैब जो है खाली बस एक ही रो एक ही कॉलम ले सकते हैं? है, रो में आप दो ले सकते हैं, कॉलम एक ही होता है। रो में दो ले सकते हैं? हाँ यहाँ दिखाता हूँ ना आपको, ना क्रॉस टैब की, ओके, मैंने टेबल डेटा ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद आता है ना, यहाँ पे आपका मैंने डिपार्टमेंट को ऐड कर लिया और हाँ सिटी को ऐड कर लिया, ठीक है, या और भी करना चाहो तो कर सकते हो नेक्स्ट। बट क्या है कि इसमें हम एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन का पार्ट, इसमें ऐड करने का पार्ट नहीं है, मतलब कि कॉलम हमारा एक ही रहेगा, रो हम एक ही ज्यादा ले सकते हैं, और दूसरा हम टोटल भी किसी एक पे कर सकते, कुछ भी एक मिनट में आप कीजिएगा, हमने एक छोटा सा गलती किया, हमने यहाँ पे मंच सुना है और यहाँ पे सर इसका हम कर देते हैं नेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है सर। हाँ सर, तो ये आपका क्रॉस टैब कर दिया, तो सिंपल क्यूरी एंड क्रॉस टैब क्यूरी भी जाए, दो चीज हमने सिस्टम बना दिया। अब ये दो जो बाकी आता है हाँ टाइम डुप्लीकेट एंड टाइम मैच, जिसके लिए दो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा जो कि अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, आप जो है क्यूरी सिंपल क्यूरी एंड क्रॉस टैब क्यूरी पे आप एक बार अपना प्रैक्टिस कर ले, हाँ ठीक प्रैक्टिस करता हूँ। है, फिर हम अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे, जिसमें हम